दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं ग्वालियर किले में स्थित कुछ विजिटिंग प्लेस। जब भी आप ग्वालियर किले जाएं तो ये जगह जरूर देखें, जिसमें से नंबर 10 पर है चतुर्भुज मंदिर। इस मंदिर की बनावट व मंदिर पर उकेरी कलाकृतियां काफी खूबसूरत हैं। इसी मंदिर से 0 अर्थात शून्य को लिया गया था। यह मंदिर लक्ष्मण दरवाजे के पास स्थित है, जहाँ से आप ग्वालियर किले की खूबसूरत बाहरी दीवारें देख सकते हैं। 9वें नंबर पर है 84 पिलर महल। यहाँ जहांगीर ने बाबर राजाओं सहित सिख गुरु हरगोबिंद साहब को कैद किया था। कहा जाता है कि बाबर राजाओं को इन्हीं पिलर से बांधकर रखा जाता था, जिन्हें हरगोबिंद साहब ने ही कैद से आजाद कराया। 8वें नंबर पर है गुरुद्वारा दाताबंदी छोर। इसी स्थान पर जहांगीर की कैद में रहे सिख गुरु हरगोबिंद साहब ने 2.5 साल तक तप किया। आज यह आस्था का केंद्र है। 7वें नंबर पर है जौहर कुंड। यहाँ किले में 2 जौहर कुंड हैं, जहाँ राजपूत रानियों ने इल्तुतमिश के आक्रमण में जौहर किया था और अपनी देह को अग्नि को समर्पित किया। 6वें नंबर पर है सास बहु मंदिर। यह मंदिर काफी कलात्मक है। इस मंदिर की बाहरी व आंतरिक कलाकारी देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। यह सास मंदिर है। यहाँ मंदिर में आप उकेरी गई मूर्तियाँ, द्वार तोरण, रथ, देवी देवता देख सकते हैं। यदि आप ग्वालियर किले पर आते हैं तो यहाँ जरूर आएं और यहाँ की सुंदरता का लुफ्त उठाएं। यह है बहु मंदिर। यह मंदिर सास मंदिर के पास ही स्थित है, जो कि सास मंदिर की तरह काफी रचनात्मक है। 5वें नंबर पर है यह तेली मंदिर। यह मंदिर राजा मिहिर भोज के शासनकाल में बनवाया गया। यह मंदिर विष्णु जी व शिव जी को समर्पित है। यहाँ आप देवियों, युगल प्रेमियों, सर्प कन्याओं व गरुड़ जी की मूर्तियाँ देख सकते हैं। यहाँ एक विशाल विवाह मंडप व गार्डन भी है। हमारी लिस्ट में 4थे नंबर पर है विक्रम महल। यह महल एक शाही इमारत है, जहाँ बड़े बड़े कक्ष, ऊंचा गुंबद व लंबी छत है, जहाँ से आप पूरा ग्वालियर क्षेत्र आसानी से देख सकते हैं। 3रे नंबर पर है जहांगीर महल। इस महल को शेर मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि इसे शेर शाह ने बनवाया था। यहां आप हवादार कक्ष, इबादतगाह व बड़ा महल परिसर देख पाएंगे। यह स्थान मुगल कला प्रेमियों को बहुत पसंद आएगी। इसी जहांगीर महल के सामने स्थित है शाहजहां महल, जहां से आप विशाल प्रवेश द्वार, द्वार तोरण, इबादतगाह, सभागृह और शहर का खूबसूरत नज़ारा देख पाएंगे। 2रे नंबर पर है गुजरी महल। यह ग्वालियर किले के बादल गेट के पास स्थित है, जो कि राजा मानसिंह ने अपनी रानी मृगनैनी के लिए बनवाया था। यह आज के समय संग्रहालय में परिवर्तित हो चुका है। यहाँ आप प्राचीन काल की मूर्तियाँ, तोप, अस्त्र शस्त्र, तलघर, बौद्ध प्रतिमाएं, भारत के सभी राजाओं की फोटो, मंदिर प्रारूप, शिलालेख, कांस्य मूर्तियां, आभूषण और भी बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। कला प्रेमियों के लिए यह स्थान बहुत ही अच्छा है और फोटोग्राफी के लिए भी यह स्थान आपको पसंद आएगी। और पहले नंबर पर है ये मानसिंह किला। यह किला राजा मानसिंह ने 15वीं शताब्दी में बनवाया था। यहाँ आप दीवार पर उकेरी मूर्तियाँ, सुंदर टाइल्स, रंग बिरंगी दीवारें, फूल पत्तियाँ, मनुष्य, जानवरों के चित्र, तहखाने, कारागाह और फांसी घर देख सकते हैं। यह 4 मंजिला इमारत है। 1 मंजिल जमीन के ऊपर और 3 जमीन के नीचे है। यह बेहद ही खूबसूरत जगह है, जहाँ हिंदू व मुगल शैलियाँ आपको देखने मिलेंगी। यहाँ से आप शहर का खूबसूरत नज़ारा भी देख पाते हैं। इसी महल से महज 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है सुरों के बादशाह तानसेन का मकबरा। यह मकबरा किसी महल से कम नहीं है। यहाँ भी आप जरूर विजिट करें। और यहीं स्थित है यहाँ का सुंदर बाजार, आप इसका भी लुत्फ उठा सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।